बस फोटोग्राफर साइड में मेरे हमारे साथ आज मंच पे विराजमान हमारे सबके प्यारे हमारे जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जी श्रीमान मनोज सिन्हा जी हैं और डीआईजी साउथ जनाब जावेद इकबाल जी हैं और हमारे प्यारे हमारे डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग जनाब सैयद फखरुद्दीन हमीद जी हैं। मैं सबका एक बार स्वागत करता हूं हमारे सिद्ध लक्ष्मी पीठ की ओर से और सब लोगों से निवेदन है कि एक बार तालियां जोरदार तालियों से स्वागत किया। एक बार माता का जयकारा लगाएंगे। बोलो माँ माता सिद्ध लक्ष्मी की जय। मेरा निवेदन है आज के हमारे चीफ गेस्ट माननीय श्री मनोज सिन्हा जी, क्योंकि हमारे लोग बहुत उत्साहित हैं कि हमें संबोधन करें, आपका प्यार स्नेह हमें मिले और हमारा भी प्यार स्नेह आपको मिले। कृपया दो शब्द हम आज के समारोह में मंच पर उपस्थित यहाँ के डीआईजी श्री जावेद इकबाल साहब, बाजू पर हो साहब, अनंतनाग के डीसी सैयद फखरुद्दीन साहब, यहाँ के एसएसपी श्री संदीप जी, माता सिद्धलक्ष्मी के सभी भक्तगण, आयोजन से जुड़े हुए सभी सम्मानित महानुभाव बहनों और भाइयों, मैं हर वाह के पवित्र अवसर पर माता सिद्धलक्ष्मी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करता हूं। लोक भवन यात्रा और वार्षिक यज्ञ में शामिल सभी श्रद्धालुओं एवं तीर्थ यात्रियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। लोक भवन तीर्थ स्थल पवित्र स्प्रिंग और माता के मंदिर की महिमा अत्यंत प्राचीन है। अगर इतिहास के पन्नों से देखा जाए तो यह सच है कि कश्मीर घाटी में वैदिक काल से ही यज्ञ के आयोजन की परंपरा रही है और उसमें भी अनंतनाग में जगह जगह ऐसे धार्मिक स्थलों का निर्माण हुआ था जहां से मानवता को भातृभाव, करुणा और एकता का संदेश दिया जाता था। मैं मानता हूं कि धार्मिक स्थलों में लंबे समय बाद आध्यात्म और संस्कार की वही प्राचीन फुहार पुनः बहने लगी है और परमात्मा के आशीर्वाद से आस्था के ये केंद्र फिर से जीवंत हो रहे हैं। जिन बंधुओं ने इस पवित्र कार्य में अपना योगदान दिया उनका भी मैं अभिनंदन करता हूं। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित समुदाय तथा अन्य धर्मों के पवित्र स्थल का संरक्षण हो, बुनियादी ढांचे में सुधार हो या फिर उससे संबंधित सांस्कृतिक गौरव को नया स्वरूप प्रदान करना हो, इन सभी लक्ष्यों के प्रति जम्मू कश्मीर का प्रशासन पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करना चाहता है। इस वर्ष माता खीर भवानी के मेले में भी कोशिश की गई थी, बेहतर सुविधा जुटाने का प्रयत्न किया गया था। पहले की तुलना में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में भी
बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई। बाबा अमरनाथ की यात्रा भी यहाँ की आवाम, यहाँ के प्रशासन और बाबा के भक्तों के सहयोग से सकुशल चल रही है। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि पिछले 18-19 दिनों में यात्रा करीब 3.5 लाख पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन का यह प्रयास है कि शारदा पीठ का गौरवशाली स्थान फिर से पुनः वापस आवे। अस्तित्व के सार स्वरूप का केंद्र कहे जाने वाले इस पीठ के सभी धार्मिक स्थल का रखरखाव सही तरीके से हो, ताकि हमारे संस्कारों की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करे। मित्रों, आप सबको स्मरण होगा, पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर लद्दाख के माननीय उच्च न्यायालय ने भी कुछ धार्मिक स्थलों के संदर्भ में निर्णय दिया। उनकी सुरक्षा संबंधित जो व्यवस्था है वो जिला प्रशासन जरूर देखेगा। ये अत्यंत हर्ष का विषय है और मैं आशा करता हूं कि स्थानीय प्रशासन और समुदाय के जागरूक नागरिक मिलकर के अलौकिक आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत इन स्थानों के संरक्षण में मदद करेंगे। मित्रों, जम्मू कश्मीर भारत की सनातन संस्कृति का प्राचीन काल से ध्वजवाहक रहा है। यह आध्यात्मिक यात्रा, वार्षिक यज्ञ, पवित्रता और परम मोक्ष दोनों का प्रतीक। मुझे स्मरण है अनंतनाग के ही रहने वाले कवि परमानंद जी ने अपनी कविताओं में परम मोक्ष, भक्ति मार्ग तथा भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों की अभिव्यक्ति अपने कविताओं में की थी। अगर गलती हो तो क्षमा करिएगा, मैं कोशिश करूंगा उनकी दो पंक्तियां उद्धृत करने की। गोकुल हृदय यौन सती यौन गुरीवान चित्त विमर्श दीप्तिमान भगवानों। परमानंद जी ने सुदामा चरित्र, शिव लग्न जैसी रचनाओं के माध्यम से तप, आत्मसंयम के मूल्यों तथा कैवल्य ज्ञान का प्रचार प्रसार किया था। योगिनी ललेश्वरी ने अपनी साधना के द्वारा समाज में आध्यात्मिक क्षेत्र